यहाँ पे जब अलाइड एंगल है वो पाई की टर्म्स में है, तो अगर पाई की टर्म्स में है तो साइन एन पाई प्लस थीटा, साइन एन पाई प्लस थीटा, ये प्लस माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब ये प्लस साइन थीटा कब होगा, जब एन जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा, और माइनस साइन थीटा कब होगा, जब एन क्या होगा, ओड होगा, क्योंकि जब एन इवन होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, और जब एन ओड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन थीटा आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस साइन थीटा आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो थीटा पाई टू पाई थ्री पाई ओड इवन ओड इवन ओड इवन इस तरह से चल रहा है, तो लिखेंगे साइन थीटा साइन पाई माइनस यानी माइनस साइन थीटा, तो अगला आ जाएगा प्लस साइन थीटा, देन अगला आ जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। तो इसी तरह से ये चलते जाएंगे अप टू 2012 टर्म्स तक, ठीक है। तो देखो दो पेयर का सम कितना आ रहा है, जीरो, कितने पेयर बन जाएंगे, 1006 पेयर बन जाएंगे। इन दो पेयर का सम कितना आ रहा है, जीरो, इन दो पेयर का सम कितना आ रहा है, जीरो प्लस जीरो, कितने टर्म, 1006 टाइम्स, दो दो का एक बन रहा है, तो 2012 टोटल 2012 के कितने पेयर बनेंगे, 106 पेयर बनेंगे, और इनका आंसर कितना हो जाएगा, सबको सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो, हमारा आंसर हो गया जीरो।